YouTube की तरफ से एक नोटिफिकेशन अभी फिर से जारी किया गया तत्काल। सिर्फ ये अधिकतर फोकस किसको करना है, जिनका चैनल मोनिटाइज हो चुका है, जो अर्निंग करते होंगे YouTube से, उनके लिए। देखिए सबसे पहले क्या करना बेटा, फट जाएगी, टैक्स फॉर्म भर लो जो नहीं भरा है। अब देखिए टैक्स फॉर्म तो भर लिए होंगे जिनका मोनिटाइजेशन हो चुका है, वो तो भर लिए हैं। जिनका नहीं हुआ है वो सोच रहे कि मैं करूं, भरूं या ना भरूं। तो देखिए आप लोगों को कोई बहुत जरूरी नहीं है इसको भरना, समझे। अगर आप इसको नहीं भी भरेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पूछो कैसे, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, 4000 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले एडसेंस पे जाके आप पहले अकाउंट बनाएंगे। जब अकाउंट बनाएंगे तो उस टाइम उस चीज को आप भर सकते हो। पहला तो ये रहा, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, अगर आपका मोनिटाइजेशन हो चुका है चैनल और पेमेंट एक बार भी नहीं आया अभी तक, है ना, तो भी आप अभी नहीं बाद में भर सकते। और जिनकी पहली पेमेंट आ चुकी है ना, उनको, या पहली दूसरी जिनका चैनल मोनिटाइजेशन बहुत पहले हो चुका है, उनको ये भरना बहुत जरूरी है। हाँ, और जो नए क्रिएटर हैं, जरूरी नहीं है, तो आप लोग परेशान मत होइए। अगर आपको करना ही है तो अपना एडसेंस पे जो आप अकाउंट बना के रखे होंगे, क्या होता है अगर आपका चैनल मोनिटाइजेशन नहीं भी है, उसके बाद भी आप क्या करते थे, जो पुराने हो चुके हैं, ठीक, जो अभी के करंट के क्रिएटर हैं, उनको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। जिन बिना मोनिटाइजेशन के आप एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते। जो पुराने क्रिएटर हैं, अगर उनका चैनल आज भी मोनिटाइजेशन नहीं हुआ, अगर वो पहले से एडसेंस पे अकाउंट बना के रख लिए होंगे, क्या पहले बनाने देता था, अब नहीं देता, तो वो जाके उस टैक्स फॉर्म को भर सकते हैं। उनके सबसे ऊपर ही आएगा, जैसे एडसेंस खोलोगे आप, सबसे ऊपर में ही आपको दिखा देगा। नहीं दिखाएगा तो इस फोटो पे देख के आप उस प्रोसेस को करेंगे तो भी आपको वहां पहुंचा देगा वो। और रही जो नहीं किया है, अगर वो करना चाहता है, अगर करना चाहता है उसके में ऑप्शन नहीं है तो क्या करेगा वो, तो देखिए अगर उसके में ऑप्शन नहीं आ रहा तो मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है नहीं करने की, तो मत करिए। आपको वो खुद नहीं बोल रहा नहीं करने को ना, तो मत परेशान होइए। जब कभी आपका चैनल मोनिटाइजेशन होगा उस टाइम उस फॉर्म को भरेंगे तो होगा। देखिए सिंपल सा ये है कि अभी आपके में पेमेंट नहीं आता, जिनके में पेमेंट आता होगा उसके लिए ये 24% टैक्स वाला है। तो अभी तो आप टैक्स भरोगे कहाँ से, जब पैसा ही नहीं आ रहा तो टैक्स भरने का कोई मतलब है ही नहीं आपको। तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, किनको देना पड़ेगा, जो YouTube से पूरी पूरी इनकम कर रहे थे और पुराने क्रिएटर हो चुके हैं, या फिर जिनका चैनल मोनिटाइज हो चुका है, सिर्फ उनके लिए है। अगर आप सोचोगे मैं नया हूँ, मेरे लिए अभी है, तो आप सिर्फ फॉर्म भर के रख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्म भरना बहुत आसान है, बहुत सारी वीडियो है, आप उस वीडियो को देख के भी फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, बाद में अगर आपको पेमेंट चाहिए होगा तो उस टाइम भी आप इसी टाइम जब भर देंगे तो उस टाइम आपको नहीं भरना पड़ेगा। जो इस टाइम फॉर्म नहीं भरेगा वो उस टाइम फॉर्म भर देगा। तो बात तो उतना ही हो गई ना, जब मोनिटाइजेशन होगा तब अपना चैनल में पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अभी तो सिर्फ एडसेंस से बना के आप अपना पैन कार्ड को लिंक कर लियोगे। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, क्या, जिस अकाउंट का एडसेंस बना होगा उसी अकाउंट का आपको पैन कार्ड भी देना है, उसी नाम का। जो अगर जो भी नाम से बना, चाहे वो मेरे ही नाम से बना, तो मेरे ही नाम का पैन कार्ड चाहिए, किसी दूसरे का मत डाले, ठीक। अगर यहाँ पर डालेंगे तो आपको प्रोसेस फेल हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखें। एडसेंस का अकाउंट बनाते समय हर चीज को ध्यान में रख के बनाए, और जो जो भरे उसको एक साइड में कॉपी में सब लिख के रख ले, और जो भी ओटीपी वगैरह कुछ है वहां से जो भी पिन डालो सब लिख लो, क्योंकि देखो एक बार करने के बाद बार बार एडिट नहीं कर सकते उसको। तो इस चीज को आप एक ही बार में सब अपना जमा के रख ले, अगर आप बाद में परेशान होना नहीं चाहते तो। देखिए उसको भरते समय आराम से भरे, भले अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, दुनियादारी भरना, जो भी भरना सब अच्छे से भरें, दिमाग लगा के भरें। नहीं समझ में आए किसी से पूछ लें या यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख लें, अपने मनमानी से उस चीज को ना करें जो नहीं बनता है। देखिए वहां पर एक ऐसा प्रोसेस हो जाएगा, अगर चैनल मोनिटाइजेशन हो भी गया तो उसके बाद भी पेमेंट नहीं आएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जाके उस चीज को कर लो। जिसको टैक्स फॉर्म नहीं भरे वो भर लो जाके, देखिए खुद वार्निंग दे रहा है सबको, तो कर लो। बाद में देखिए जब परेशान हो गए तो कुछ नहीं हासिल होगा, तो इससे पहले आप खुद ही जाके उस चीज को भर लीजिए अभी से टैक्स फॉर्म को। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, और एक बात ये भी है, अगर टैक्स फॉर्म अगर नहीं समझ में आ रहा अपने से, तो उसकी भी वीडियो देख के ही भर लें। आपके पास 21 तारीख तक का टाइम है, उसके पहले आप भर लेंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अगर 21 के बाद अगर जो एलिजिबल हो गए हैं, जिनका पेमेंट आ रहा है, उनके लिए तो फिर पछतावा हो जाएगा। वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए और फॉर्म को जाके भी फिलअप कर दीजिए दोस्तों। ओके, थैंक यू।